सारे मान सम्मान के योग गाँव के मुखिया श्री पृथ्वी सिंह सरपंच जी, दादा छोटू राम जी, श्री सुखबीर जी पूर्व चेयरमैन, श्रीमती पिंकी जनौता जी, वीरेंद्र सरपंच जिला पार्षद जी, वर्तमान में जो आप पार्षद हैं पूर्व में सरपंच थे, जोगिंदर अग्रवाल जी, बबलू एम सी जी, गोपाल एम सी जी, संदीप शर्मा ब्लॉक समिति मेंबर जी, रमेश आदिवाल जी, कुलदीप सीमार जी, शशिकांत नगर परिषद वाइस चेयरमैन जी, वेद फौजी जी, यशपाल मैन जी, पवन सुलेड़ा जिला पार्षद जी और सभी जितने मौजूद जितने भी मंच पर विराजमान हैं, तो एक बार और मैं आप सभी से दोबारा पुनः अपील करना चाहूँगा कि संविधान निर्माता बाबा साहब, संविधान निर्माता बाबा साहब, आप सभी को नववर्ष 2024 की एक बार फिर बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाओं के लिए बधाई देता हूँ। सभी समाज लोगों को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण की सभी ढेर सारी बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई और आदर में मान सम्मान के रूप यहाँ उपस्थित गांव के सरपंच श्री पृथ्वी सिंह जी, जिनके नेक विचार के प्रयास से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगाई हुई है, बहुत ही मान सम्मान के लोग जो हमारे सभी यहाँ बैठे हैं उनका मैं फिर आज फिर उनका यहाँ इस जगह पर आने पर और इतना समय देने पर जो हमारा बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण किया, इसके लिए उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं तो ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहूँगा क्योंकि मैं भी इसी गांव का बच्चा हूँ, भाई वहाँ का बेटा हूँ, यहाँ का समाजी में कुछ ज़्यादा मैं इतना विश्वास नहीं करना। मैं तो बस यही कहूँगा कि वे आज जो बाबा साहब की जो मूर्ति का इस गांव में बेंद्र खा में मूर्ति अनावरण किया, इससे एक संदेश जाता है कि बल्कि पूरी छत्तीसगढ़ के पूरे गांव के बच्चों को कि वे पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, पढ़ लिख कर अपने परिवार का, अपने गांव का, अपना देश का, सबका नाम रोशन करें। और पढ़े लिखा के ये जरूरी नहीं है कि भाई वो नौकरी ही करना जरूरी है, नौकरी के लिए ही पढ़ाई शिक्षा करें, पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा संदेश जाता है, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने गुरुजनों को, अपने देश को आगे बढ़ाया जा सकता है, उसका विकास किया जा सकता है, क्योंकि बिना शिक्षा के, बिना शिक्षा के, बिना ज्ञान के कोई भी गाँव संभव नहीं है। जो पढ़े लिखेगा उसका परिवार, उसका समाज कोई भी किसी भी तरह से उसका एक अलग से ही देखो के नजर आता है। और पढ़ा लिखा आदमी ऐसा है कि उसको जितनी शिक्षा लेगा उसको अच्छे भले बुरे अच्छे काम जैसे कहीं भी जाओ उसको अपने एक समझने की उसकी जो शक्ति होती है उसको पता लगता है कि मैं क्या अच्छा क्या बुरा है, क्या समाज के लिए करना है, क्या नहीं करना है। तो मतलब पढ़ाई लिखाई का उद्देश्य सिर्फ नौकरी नहीं है, पढ़ाई लिखाई का तो उद्देश्य ये है कि पढ़ लिख कर आदमी तरक्की करें, अच्छे काम करें, सभी समाज के 36 बिरादरियों का साथ लेकर चले, सभी में भाईचारा का हो, एकता का प्रतीक, और पढ़ लिख कर अपना गाँव का नाम रोशन करें। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका बहुत समय से बैठे हैं, आज नया साल भी है, पहला दिन है और मकर संक्रांति भी है, तो सबको आधार बाबा जी की मूर्ति का अनावरण किया, जितनी भी टीम सदस्य कुलदीप भाई सत्यानाथ जितने सरपंच साहब जो भी इन्होंने इतना नेक कार्य के लिए इतनी जो एक अच्छी सोच बनाई, जिन्होंने एक नेशनल हाईवे के ऊपर अपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो बाबा साहब की जो मूर्ति का अनावरण किया, एक उसका एक सोच बनाई पूरे गाँव में, पूरे छत्तीसगढ़ आदमी ने सोच कर ये पूरी जमीन पंचायत ने भी पूरी जमीन दी, तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस कार्य के लिए सभी ने बनाए अच्छा काम किया, अच्छा निशान पर एक अच्छी सोच और एक नए उम्र के साथ आ गए ताकि जो हमारे जो बच्चे हैं छोटे बच्चे हैं जैसे छोटे बच्चे बैठे हैं और हर बच्चा उन्हें लगे कि हमें भी पढ़ लिख कर इस तरह के हासिल करना है, क्योंकि उस समय में बाबा साहब की सबसे ज़्यादा डिग्रियाँ थी,
आज भी उसके पास इतने खोल दिया जो मुझे हमने चलो उसके मेरे वापस आ गया शिक्षा से एक ले उसे सर बताओ दो तीन चार पाँच छः और ये ज़्यादा 21,000 3,21,000 नगर निगम बाबा साहब और भाई रवा हम लोग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।